हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ इशिता एंड विश यू वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। इस व्लॉग में मैं तो हूँ ही और आप देख सकते हैं अनविता। आफ्टर सो लॉन्ग अनविता भी इस व्लॉग में है। मतलब मैं कल रात को घर आ गई थी और इशिता भी मेरे साथ आई है, लेकिन वो भी सोई हुई है। मैं और अनविता तैयार होंगे क्योंकि हम राखी बांधने के लिए जा रहे हैं प्रत्युष उत्कर्ष को, और उन्होंने भी फिर अपनी नानी के घर निकलना है। तो अभी हम टाइमली जाके तैयार व्यार होके सब कुछ आज हम आपको व्लॉग में दिखाएंगे कि हम रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम क्या गिफ्ट्स देने वाले हैं और हमें क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। एंड अभी हम जाएंगे तैयार होने, और आज का व्लॉग जो है वो सिर्फ अनविता बनाने वाली है क्योंकि अनविता बहुत टाइम से मेरी वीडियोज़ में नहीं आई है। सो आज का व्लॉग बनाएगी अनविता एंड देखते हैं अनविता कैसा व्लॉग बनाती है। अभी आप देख सकते हो इशिता भी उठ गया है, इतने टाइम बाद आप देख सकते हो मम्मा को भी। हेलो हेलो। और ये रही इशिता सोतड़। और ये हमारी गिफ्ट्स हैं जो हमें रक्षाबंधन पे मिल चुके हैं, और ताई जी ने कहा था कि आप लोग अपनी ड्रेसेस पहन के आना। सो मैं पहले नहा के आती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ड्रेसेस हम पे कैसी लग रही है, ठीक है अनवी? ओके। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं और दीदी भी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। दीदी गिफ्ट हैम्पर बना रही है भैया के लिए, और हम ये उनको थोड़े से फ्रूट्स, और क्योंकि वो बनाना ज़्यादा खाते हैं इसलिए हम उनको बनाना ही डाल के दे रहे हैं। तो बनाना और थोड़ी सी चॉकलेट्स डाल के उनको हम ये गिफ्ट हैम्पर दे देंगे। और ये एक बिस्किट का पैकेट, और ये हो गया रेडी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और ये हमने उनके लिए कुछ कड़े बनवाए हैं, कल मम्मी पापा गए थे बनवाने के लिए, तो ये भी हम उन दोनों को देंगे। तो पहले मैं अनवू को राखी बांधूंगी क्योंकि हमेशा मैं अनविता को पहले राखी बांधती हूँ और फिर हम अपनी आगे की जो भी राखियाँ बांधने वाला काम करते हैं वो उसके बाद ही करते हैं। सो अनवू को आप देख सकते हैं तैयार हो गए पीछे। और ये फ्रॉक ताई जी ने अनवू को दी है, और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है ये। सो बस अब मैं इसको राखी बांधूंगी और फिर ये मुझे अपना गिफ्ट देगी और मैं इसको अपना गिफ्ट दूंगी। दीदी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये मुझे मिली है रक्षाबंधन पे, जो मुझे बहुत पसंद आई है। और अब मैं अनवू को राखी बांधूंगी और फिर हम परे जाएंगे प्रत्युष उत्कर्ष को राखी बांधने के लिए। आप ये वाली भी ले आए थे, मुझे लगा ये वाली नहीं लेके आए। और प्रत्युष ने मुन्ना के लिए कुछ स्पेशल बनाया था, गुजरा अब मुन्ना के एक्सप्रेशन देखेंगे हम। इधर आ गया, मैं पर्दा हटाती हूँ। हाँ यीशु जा पर्दा, यीशु पर्दा हटाए। हाँ देखो साथ में खड़ी हो, साथ में खड़ी हो बेटा। इधर देखो, वाह ये तो डिटो कॉपी बना दी प्रत्युष ने।
सेम टू सेम वेरी गुड वेरी डिंपल बनाया डिंपल बनाया है बनाया है बनाया है दिख रहे हैं डिंपल्स हां एक्चुअली गिली है पेंटिंग इसने सुबह की कंप्लीट और ये दो दिन एक दो दिन पहले से बना रहा होगा ना हमें नहीं पता था बना इसने अच्छी लगी ना इसको फ्रेम करवा देना फिर मैं और मुन्ना इकट्ठे करवाएंगे फ्रेम है ना हां जल्दी प्लीज ले आगे हां खोल देते बच्चे आपको फूल और धूप अर्पण आप हमेशा खुश रहे और दीदी की पैर छूना भी बाद में खुल जाता ये उत्कर्ष क्या सोच रहे हैं ऑफर लिखा है कुछ ना क्या है जोमेटो यहाँ पर है वैसे ना हाँ मुझे उसको बोला था और इसको ये पता था कि पेंटिंग आखिर में तैयार होती है ना नहीं ये कहती ये क्या भूत बना दिया आपने कैसे भूत जैसी फोटो कौन है ये भूत प्रत्युष दिखा रहा था मुझे कल और अब हम सब खा रहे हैं खाना अनु कितना खा पाएगी पूरा बैठो लड़कों बैठो कैसा लगा आपको रक्षाबंधन पे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कैसा लग रहा है प्रत्युष आपको रक्षाबंधन पे हम लोग आए आपको कैसा लगा और रिश्ता को कैसा लगा यहाँ आगे अनु आपको कैसा लगा नो रिस्पॉन्स इसको कोई रिएक्शन ही नहीं है बेचारी का इन नाराज क्यों है नू तेरा फोन ठीक नहीं क्या कर दूंगी यार अभी तो इसके अलग ही नखरे हैं और अभी ये दोनों खाना खा रहे हैं मेरा खाना हो गया और मेरा पेट भी इसका पेट ब्लास्ट होने वाला है क्या हो रहा है प्रत्युष क्या डिमस गया अच्छा कुछ ऐसा अब हम फोटो शूट करने जा रहे हैं थोड़ी सी फोटोज लेंगे और उत्कर्ष जब आएगा तब हम फोटोज लेंगे गाइस हम उनको राखी बांध आए हैं खाना खा चुके हैं फोटो शूट कंप्लीट हो चुका है और जो फोटोज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगी और मुझे पैरामेडिक्स का क्वेश्चन पेपर मिल गया है लास्ट ईयर का लास्ट टू लास्ट ईयर का है लास्ट ईयर का भी मेरे पास ही है और ये वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे 1 सितंबर मैंने कहा है कि मैं डालूंगी अगर बाय चांस 1 सितंबर को नहीं होती है क्योंकि मेरे दो टेस्ट भी हैं बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट भी है माइक्रोबायो का भी टेस्ट है
तो हो सकता है मुझे टाइम ना लगे, बट हाँ मैं ये वीडियो जल्द ही डाल दूँगी यूट्यूब पे, आप टेंशन ना लें। सो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है अनविता, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थोड़ी देर में शिमला भी निकलने वाली हूँ क्योंकि कल मेरी पैथोलॉजी की क्लास है, तो हमें शिमला भी निकलना है। और ये रही इशिता, ये भी यहीं पर ही है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय बाय।